अस्सलाम वालेकुम जी बेटा, क्या हाल है? हमीदा बेटा, आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक्सरसाइज 5.2 बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, इसको बेटा हमने फैक्टराइज ही करना है। अब एक्स स्क्वायर प्लस 5x+4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x+6 -3। अब देखें, दोनों में सेम वैल्यू आ रही है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, दोनों वैल्यू सेम आ रही है ना। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स की पावर 4 हो जाएगी, वो क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाएगा। इसलिए हम अपनी आसानी के लिए इसी इस जो दोनों वैल्यू सेम आ रही है, इसको हम किस चीज़ के किसी वैल्यू की को लेट कर लेते हैं। हमने किसके इक्वल इसको लेट किया? एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, वाई के इक्वल लेट किया। अल्फ़ाबेट में हम किसी के इक्वल भी इसको लेट कर लेंगे। क्या आ गया? इसके इसकी जगह भी हमने वाई पुट कर दिया, वाई प्लस 4, और इस वैल्यू की जगह भी हमने वाई पुट कर दिया, वाई प्लस 6, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है, और -3। अब ये दोनों वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, वाई 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 स्क्वायर, वाई को 6 से मल्टीप्लाई किया 6y, फिर 4 को y से मल्टीप्लाई किया 4y, फिर 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया 4 6 24, और -3 का 3 7 आ जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर क्या आ गया? वाई स्क्वायर प्लस 6y + 4y + 24 -3। वाई स्क्वायर 6y और 4y को ऐड करें, 6y + 4y कितना होता है? 10y, और 24 में 3 निकाल दें, कितना बच गया? 21। अब आगे इसके फैक्टर बनाएंगे, वाई स्क्वायर को 21 से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास इसका आंसर आ गया 21y² दरमियान वाले वैसे इस तरह पेयर बनाने, मल्टीप्लाई करें 21 आ जाए, प्लस करें 10 आ जाए। अब आपके माइंड में पेयर नहीं आ रहे, हम 21 का फैक्टर बनाते हैं। 21 को फैक्टराइज करेंगे, 3 7 21 7 1 7। अब दो ही वैल्यू आई हमारे पास, देखें 7 को 3 में ऐड करें 10 हो गया, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें 7 3 21, दोनों कंडीशन पूरी होगी तो उसका मतलब हमारी फैक्टराइज सही हो रही है। क्या रहेगा? वाई स्क्वायर प्लस 7y + 3y + 21। 10y के फैक्टर हमने उनके फैक्टर बना ले, क्या बने? 10y 7y + 3y, ऐड करेंगे 10 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 21 आ जाएगा। अब पहले दो टर्म में एक चीज़ कॉमन, अगली दो टर्म में एक चीज़ कॉमन आ जाएगी। पहले दो टर्म में y कॉमन, क्या बच गया? y + 7। अगली दो टर्म में 3 कॉमन, 3 1 3 3 7 21। अब पूरी वैल्यू में एक चीज़ कॉमन आ रही है, y + 7 कॉमन, y + 7 कॉमन, क्या बच गया? फिर y + 7 कॉमन आ गया, और y + 3 हमारे पास वैल्यू बच गई, y और +3। अब देखिए, y को मैंने किसके इक्वल ऐड किया था? y को इक्वल ऐड किया था x² + 5x, उसकी वो वैल्यू पुट कर दें। क्या आ गई उसकी वैल्यू? y की जगह वैल्यू हमने पुट कर दी x² + 5x + 3, और इस y की जगह भी हमने वैल्यू पुट कर दी x² + 5x + 7। ये बेटा हमारा आंसर आ गया, क्योंकि दोनों में y y था, वो y की वैल्यू वहाँ पे हमने पुट कर दी। हमारा आंसर क्या आ गया? x² + 5x + 3 x² + 5x + 7, ये हमारा आंसर आ गया। और इसका दूसरा पार्ट सेम ऐसे होगा। अब इससे अगला पार्ट देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, क्या x+2 x+3 x+4 x+5 -50। अब देखिए, इसमें हमें उसने क्वेश्चन नहीं दी, हमें सिर्फ फैक्टर दिए कि 4 टर्म है। अब हमने इसमें इस तरह के पेयर ढूंढने हैं जो दो वैल्यू को ऐड करें वो सेम वैल्यू हो। पहले हमने प्लस करके चेक करना, अगर प्लस करके वैल्यू दो सेम नहीं मिलती, फिर हमने मल्टीप्लाई की तरफ जाना होता है। पहले हम प्लस में करते हैं, 2 और 3 वैल्यू कॉन्स्टेंट को ऐड करना, 2 3 5 4 और 5 9, नहीं सेम वैल्यू नहीं है। फिर पहली को तीसरी के साथ, 2 और 4 6, दूसरी को चौथी के साथ, 3 5 8, फिर भी इक्वल नहीं आई, इसको स्किप करें। फिर पहले को एंड वाली वैल्यू के साथ, 2 और 5 कितना हो गया? 7। 3 और 4 कितना आ गया? 7। अब ये देखें, ये दो पेयर बन गए, दो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होगी, और ये एंड वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि इनको ऐड करने से इनके दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं। इनको हम दोनों को सेपरेट लिख लेंगे, x+2 x+5 अलग लिख लेंगे, x+3 x+4 अलग लिख लेंगे, और -15 एज इट इज़ वैसे आ जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमें दो वैल्यू ऐसी मिल जाएगी जो बिल्कुल सेम होंगी। मल्टीप्लाई किया x² एक्स को 5 से x 5x, 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x 1 2x, फिर 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 2 5 10, ये हमारे पास टर्म आ गई। फिर नेक्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे x² एक्स को 4 से मल्टीप्लाई किया 4x, 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 3 4 12, ये हमारे पास दूसरी टर्म आ गई, और -15 एज इट इज वैसे। आगे सिंप्लीफाई करें, x² 5x और 2x कितना हो गया? 7x, और +10, फिर x² 4x और 3x कितना हो गया? 7x, और +12, और -15 एज इट इज वैसे। अब देखें, दोनों वैल्यू में हमारे पास दोनों टर्म में कौन सी चीज़ सेम आ रही है? x² + 7x x² + 7x दोनों में सेम है, इसको हम किसी वैल्यू की केवल लेट कर लेते हैं। हमने इसको लेट किया है
बाइक इक्वल लेट कर लिए। अब इसकी जगह वाई पुट कर दिया और इस वैल्यू की जगह भी वाई पुट कर दिया, वैल्यू न्यू हमारे पास क्या आ गई, वाई प्लस 10, वाई प्लस 12 और माइनस 15 नेगेटिव वैसे। अब इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करें, वाई 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 स्क्वायर, वाई 12 वाई, वाई को 12 से मल्टीप्लाई किया 12 वाई, 10 को वाई से मल्टीप्लाई करें 10 वाई, 10 को 12 से मल्टीप्लाई किया 10 12 जा 120 और माइनस 15 नेगेटिव वैसे। आगे सिंप्लीफाई करते हैं, वाई स्क्वायर 12 वाई और 10 वाई कितना होता है 22 वाई, 120 में 15 निकाल दें 105। अब इसके फैक्टर बनाने, पहली वैल्यू को एंड वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर क्या आ गया 105 वाई स्क्वायर। दरमियान वाले से हमने इस तरह के पेयर बनाने, मल्टीप्लाई करें 105 आ जाए, प्लस करें 22 आ जाए, क्योंकि तीनों वैल्यू प्लस किया तो हम प्लस ही करेंगे, माइनस का इसमें कोई कंसेप्ट ही नहीं होगा क्योंकि माइनस की वैल्यू हमारे पास इसमें नहीं है। तो क्या आ जाएगा 105 15 7 था, 15 को मल्टीप्लाई करें 7 से कितना आता है 105 ही आ रहा, और 15 को 7 में ऐड करें तो वो हमारे पास 22 आ रहा। मतलब क्या हुआ, हमारी दोनों कंडीशन पूरी हो रही है, तो उसका मतलब हमारी ये फैक्टराइज सही है, फैक्टर ठीक बने हैं 15 और मल्टीप्लाई 7। क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 15 वाई प्लस 7 वाई प्लस 105, ऐड करेंगे 22, एक कंडीशन पूरी होगी, मल्टीप्लाई करेंगे 105 आ रहा, दूसरी कंडीशन पूरी होगी हमारे पास। अब पहले दो टर्म में एक चीज़ कॉमन, अगली दो टर्म में एक चीज़ कॉमन होगी, पहले दो टर्म में क्या चीज़ कॉमन वाई कॉमन, क्या बच गया वाई प्लस 15, अगली दो टर्म में क्या चीज़ कॉमन 7 कॉमन, फिर वाई 7 वन 7 और 7 फाइव 35 वो वाई प्लस 15 आ गया। अब देखें पूरी टर्म में एक चीज़ क्या चीज़ कॉमन आ रही, वाई प्लस 15, वाई प्लस 15 सेम है वो कॉमन आ गई, बाकी क्या बच गया वाई प्लस 7। अब देखिए वाई हमारे पास आया, वाई की वैल्यू क्या थी हमारे पास, वाई की वैल्यू थी एक्स स्क्वायर प्लस 7x, वो वैल्यू हमने पुट कर, वाई की जगह हमने वैल्यू पुट की एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 15 नेगेटिव वैसे, फिर इधर वाई में वैल्यू पुट की क्या थी वैल्यू, वाई की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 7x, वो इधर भी वैल्यू पुट कर दी प्लस 7, ये बेटा हमारा आंसर आ गया। उम्मीद है बेटा आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आई होगी, फिर भी कोई क्वेश्चन हुआ तो वो बेटा आप मुझसे पूछ लेना, इसके बाकी क्वेश्चन सेम ऐसे होंगे। ओके बेटा अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।